फ्लेक्सिबल होता है, काफी बढ़िया इसका टेम्पर होता है, काफी बढ़िया हुक होगा। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं स्नेक हेड पकड़ने के लिए आप कौन सा रॉड यूज कर सकते हैं। कई जगह स्नेक हेड को मरल मछली भी बोलते हैं, मोरल मछली भी बोलते हैं। ये स्नेक हेड पकड़ने के लिए आपको कौन सा सबसे बेस्ट रॉड होता है? अब कई बार नए जो यूजर होते हैं उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता है एंगलर को, क्योंकि वो उसको मालूम होता नहीं है कि कौन सा रॉड यूज़ करना चाहिए और कौन सा रॉड नहीं यूज़ करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं यही कोशिश करूँगा कि जितना बेहतर हो सके रॉड के बारे में बताऊँ, और कुछ मशीन है हमारे पास रील, तो उसके बारे में बताएंगे कि स्नेक हेड के लिए कौन सा रील यूज़ करना चाहिए, और कुछ फ्रॉग है, मैं फ्रॉग के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फ्रॉग आपके लिए बेस्ट है जिससे आपको ज़्यादा बेहतर शिकार कर पाए। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं आपको रॉड के बारे में बता रहा हूँ। ये क्रोकोडाइल का रॉड है, ये ग्लास का है, और इससे आप इजी तरीके से स्नेक हेड का शिकार कर सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी बढ़िया इसका टेम्पर होता है, काफ़ी बढ़िया हुक होगा। और एक और मैं रॉड यूज़ करता हूँ, ये क्रोकोडाइल का ही है, ये हैवी वेट में है। इसमें आप 15 किलो के मछली को हवा में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ना ब्रेक करेगा ना कुछ, ये काफ़ी ज़बरदस्त है, इसका टेम्पर काफ़ी हार्ड है। ये तो मैं क्रोकोडाइल हैवी वेट की मैं बात कर रहा था, अब मैं लाइट वेट के बारे में बताऊँगा। ये हमारे पास लुकाना का लावा स्पिन है, ये लाइट वेट है, ये भी काफ़ी बेहतर है, मैं इसे कई बार स्नेक हेड पकड़ा हूँ, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है ये। और ये आपको 1150 में मिल जाएगा, काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी बढ़िया रॉड दे रहा है लुकाना, ये काफ़ी ज़बरदस्त है, मैं खुद इसको यूज़ किया हूँ। और एक और लाइट वेट रॉड मैं यूज़ करता हूँ, ये डायवा डी वेब है, ये डायवा डी वेब है, इसका भी काफ़ी बढ़िया हमको एक्सपीरियंस मिला है, इससे भी मैं कई बार स्नेक हेड का शिकार किया हूँ, ज़बरदस्त है। इसका जो कॉस्ट है वो 1800 के समथिंग है, काफ़ी बढ़िया है, इससे मैं कई बार शिकार किया हूँ, हमको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला है। और कुछ मैं मशीन भी यूज़ करता हूँ रील, ये लुकाना का स्टोन आइसलैंड रील है, ये 6000, और ये काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बेहतर है स्नेक हेड के लिए। आप भी लुकाना का स्टोन आइसलैंड यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार करके देखें, हमको तो काफ़ी बेहतर लगा इसे यूज़ करके, और मैं यही यूज़ करता हूँ। और एक पायनर का आर्गोनट 6 सीरीज ये भी यूज़ करता हूँ, ये भी काफ़ी बेहतर मशीन है ये स्नेक हेड के लिए, इसे भी काफ़ी स्नेक हेड मैं पकड़ा हूँ, काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है। और ये भी पायनर का ही मशीन है, ये फ्लस एक्सी है, ये भी पायनर का मशीन है, ये फ्लस एक्सी है, ये 5000 है, ये भी काफ़ी बेहतर है, इसे भी आप स्नेक हेड पकड़ सकते हैं। और कुछ फ्रॉग भी मैं यूज़ करता हूँ, तो ये लोकल फ्रॉग है पर काफ़ी बेहतर है, मैं कई बार इसे स्नेक हेड पकड़ा हूँ और इसीलिए मैं अगेन इसको मंगाया हूँ, और ये हमको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है। ये फ्रॉग लोकल है पर काफ़ी बेहतर है, ये आपको 120-100 में आपको मिल जाएगा, जो रफ यूज़ के लिए है कोई दिक्कत नहीं है पर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देगा। और ये मैं लुकाना का फ्रॉग यूज़ करता हूँ, ये लुकाना का पॉइजन के नाम से आता है, ये भी काफ़ी बेहतर है, इससे भी काफ़ी अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। मैं जो रॉड रील यूज़ करता हूँ, जो फ्रॉग यूज़ करता हूँ, मैं उसके बारे में सारा अपडेट दिया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपको इस तरह कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का रिप्लाई दूँ और उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ।